दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सीएम पद की कमान संभाल ली है। सीएम आतिशी आज पहली बार दिल्ली सचिवालय पहुंची, लेकिन सीएम आतिशी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी। सीएम आतिशी सचिवालय में अपनी एक कुर्सी लेकर पहुंची और वो उसी कुर्सी पर बैठी जो कि सफेद रंग की है। उनकी कुर्सी के साथ ही दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की लाल रंग की कुर्सी रखी हुई है। सीएम आतिशी ने कहा कि आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। आज मेरे मन की वैसी ही व्यथा है जो कि भरत जी की थी। जिस तरह से भरत जी ने भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर काम किया, वैसे ही मैं अगले 4 महीने मुख्यमंत्री का पद संभालूंगी। आतिशी ने आगे कहा कि ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है और मुझे भरोसा है कि फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को जिताकर फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी और तब तक अरविंद केजरीवाल जी की ये कुर्सी यहीं रहेगी। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया, इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते हैं। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।